हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है हेलो एल्केन और हेलो एलीन के फास्ट रिवीजन करेंगे घंटे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एलीन में सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में बताएंगे और फिर किसके बारे में, हेलो एलीन के बारे में। तो हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन में हाइड्रोजन होता है, एल्केन होता है, दैट इज कॉल्ड RX। अब RX में क्या होता है? X हमारा क्या होता है, जल्दी से बताइए, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर R F R Cl R Br R I, इस तरीके से ये एल्केन हैलाइड्स होते हैं। अब आपसे पूछे इनमें से किस एल्केन हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जल्दी से बताएंगे। RI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि R तो एल्केन ग्रुप है, आयोडीन का साइज हमारा बड़ा होता है, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो RI का साइज कैसा होगा, बड़ा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा कवर करेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, RI का, फिर RBr का और फिर RCl का और RF का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया जाके, RF का। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें कनेक्ट करते हुए चलेंगे हम, समझ में आ गया, क्योंकि समय कम है कौन ज्यादा है। तो इस तरीके से हेलो एल्केन ये पहचान लीजिए, हेलो एल्केन कौन है, ये हमारे हेलो एल्केन है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, RI का ज्यादा है। रीजन क्या है पता है आपको, ड्यू टू द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है आपका कि हम इसको कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन को। तो हमने आपको बताया था क्लास 11th में एल्कीन पढ़ाया जाता है, एल्कीन में हम रिएक्शन कराएंगे हैलोजन एसिड की। तो ये हमारे पास एल्कीन है, जैसे ये एल्कीन है, देखिए ध्यान से, दिस इज एल्कीन, ओके। और एल्कीन की रिएक्शन अगर हम HBr से कराएं, तो एडिशन ऑफ HBr मार्कोनी कोप रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एल्कीन में जब HBr जुड़ता है तो वहां पर माइनस वाला पार्ट आपको याद होगा उस कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, ये आपने याद रखा होगा। और इसका मेन रीजन है स्टेबिलिटी, यहां से यहां पर पाई बॉन्ड इधर जाते हैं, यहां पर प्लस आएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम इसको इधर घुमा देते तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCHBr, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। तो बच्चों देखो ध्यान से, Br माइनस यहाँ जुड़ गया, H यहाँ जुड़ गया, तो ये बन गया हेलो एल्केन, क्या बन गया, हेलो एल्केन। तो कुल मिलाकर ये हमारा सेकेंडरी, बताइए ये सेकेंडरी एल्केन हैलाइड है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, क्योंकि Br उस कार्बन पे लगा जहाँ हाइड्रोजन एक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्केन हैलाइड। इसका मतलब एल्केन हैलाइड तीन तरीके होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी की बात करते हैं तो CH3 CH2 Cl, ये हमारा प्राइमरी हो गया, और CH3 CH यहां Cl लगा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, देखिए इधर, ये हमारा टर्शियरी हो गया। Cl उस कार्बन पे लगा है जहां पर तीन एल्केन ग्रुप्स हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये टर्शियरी एल्केन हैलाइड है। तो एल्केन हैलाइड तीन तरीके होते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी में हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगा होता है जिसमें हाइड्रोजन दो होते हैं, इसमें हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए याद रखना दिस इज ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री। ये तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्केन हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, समझ में आ गया बच्चों। तो तीन तरीके के एल्केन हैलाइड होते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि यहाँ पर ये हमारे पास कैसा ब्यूटेन है, जल्दी से बताइए, ये कैसा है, आइसोटर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्या होगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन, इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहां से एच हटा के सीएल लगा दिया, इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, कुछ याद आया, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है। और बच्चों बताओ ये हमारा क्या होगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये हमारा आइसोब्यूटाइल है। क्यों बेटा ये आइसो है, कोई बच्चा बताएगा ये आइसो है, कई लोग इसको गलत कर देते हैं, दिस इज नॉट ए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, प्लीज इसे आइसो नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये अभी मैं भी खुद मिस्टेक कर रहा था, मैंने क्या बोल दिया, आइसो, आइसो तब बोलेंगे जब कोई ब्रांच कार्बन के नीचे लटक जाएगी। अगर यहाँ पर अगर आप आइसो बोलना चाहते हो तो यहाँ पर लटका दीजिए CH3, मेरी बात समझ रहे हो, तब मैं इसको आइसो बोल सकता हूँ। आइसो तब बोला जाता है जब कोई कार्बन जो है बीच में लटका दिया जाता है, यहाँ पर क्लोरीन है तो ये प्राइमरी, क्यों बोला, सीएल उस कार्बन लगा जिसपे हाइड्रोजन दो है और सीएल उस कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन एक है, तो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी एल्केन हैलाइड है और दिस इज ए टर्शियरी, समझ में आ गया।
अच्छा ये बताओ इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बताइए। यस, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी और टर्शियरी से ज्यादा होगा। अगर कार्बन की संख्या सेम है, इन तीनों का देखिए, इन तीनों का फार्मूला क्या है, C4H9Cl, इन तीनों का फार्मूला C4H9Cl है। देखिए इधर से, दोस्त C4H9Cl है तो तीनों के आइसोमर बन गए, तो क्वेश्चन आ जाए C4H9Cl के कितने आइसोमर्स होंगे, चार स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो 1 2 3 इसमें तीन ही बनेंगे। आप देख लीजिए ना ध्यान से, C4H9Cl है, समझ में आ गया। अगर C4H9Cl है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें मोनो हैलोजन कंपाउंड तो बनाए गए, नहीं समझ में आया, ये देखिए ना, इसका नाम क्या है, प्राइमरी, इसका नाम क्या है सेकेंडरी, इसका नाम क्या है टर्शियरी, ये नहीं हुए यहाँ पर तीन तरीके, क्या है ये, क्या है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर किसके, C4H9Cl के। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर हमारे पास ये होता C4H10 तब इसे हम क्या कहते, तब हम इसे ब्यूटेन कहते, बोलो। अब ब्यूटेन में हम चार कार्बन ऐसे बना सकते थे, याद करो, और ये ब्रांचिंग लगा सकते थे, और एक हम इस तरीके से बनाते, दो ही बना पाते इसमें, और दूसरा बनी नहीं पाता, गौर से देखो और भी बन सकता है इसमें। अगर हम C4H10 ब्यूटेन की बात करते हैं, तो ब्यूटेन में दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, बोलो सर, दो ही होते। और यहाँ पर बताओ, यहाँ कितने एच होते, 3H, यहाँ पर 2H, यहाँ 2H, यहाँ पर 3H, यहाँ पर 3H, यहाँ पर 3H, यहाँ पर 1H। बताओ बच्चों इसमें कितने कितने तरीके के हाइड्रोजन है, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी, यहाँ देखिए प्राइमरी प्राइमरी टर्शियरी, तो एक एच यहाँ सड़ गया, सीएल लग गया, टर्शियरी एल के रह गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, इनमें से एक हटा सकते हैं, बोलो, ये तीनों एक से है, और यहाँ पर देखो ये दोनों एक से है, और ये दोनों एक से है, इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे आप बता सकते हो, समझ में आ गया, तो आप बना सकते हो कितने बनेंगे, तो इस तरीके से आप टोटल आइसोमर्स बता सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम आपको बता रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तीन तरीके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्किल हैलाइड के बाद हैलोजन कैसे बनाते हो, एल्किल हैलाइड बना लिया आपने, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा सर क्या एल्किल हैलाइड एल्कीन से बनाने के लिए हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या यही पर्याप्त है, नहीं और भी रिएक्शन है। देखिए सर, अभी आपने जो रिएक्शन पढ़ी है, ये रिएक्शन पढ़ी है आपने, ये पढ़ा कि सर इसकी HBr से रिएक्शन करा दो, Br- यहाँ लग जाएगा और H+ आयन लग जाएगी, बन जाएगा एल्किल हैलाइड, बोलो कार्बोनिल की बॉडी। लेकिन इसके अलावा भी और मेथड्स हैं जिनसे आप क्या बना सकते हो, जल्दी से बताओ क्या बना सकते हो, एल्किल हैलाइड। आपको बताएं, जैसे एल्कोहल, आपको पढ़ा होगा एल्कोहल, एल्कोहल पढ़ा है, एल्कोहल से अगर आपको बनाना हो तो आपको पढ़ा होगा रेड फास्फोरस और I2, इन दोनों की रिएक्शन होगी, यहाँ पर Pi3 बनेगा, OH- जाएगा, I- आएगा, एल्किल हैलाइड बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम NaCl और H2O डाल देंगे, इससे पैदा होगा आपका HCl, और OH- जाएगा, Cl- आ जाएगा, एल्किल हैलाइड बन गया। बोलो बेटा इन दोनों से रिएक्शन से क्या पैदा होता है, HCl। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लुकास रीजेंट की रिएक्शन कराए, लुकास रीजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों में क्या होगा, OH- जाएगा, Cl- आएगा, लेकिन प्राइमरी एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं देते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है एल्कोहल कितने तरीके के होते हैं, एल्कोहल हमारे होते हैं तीन तरीके के, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। तो एल्कोहल हमारा जैसे ये CH3CH2 OH है, तो OH उस कारण करा इसमें हाइड्रोजन दो है, प्राइमरी है, और सेकेंडरी कौन सा होता है, सेकेंडरी की अगर बात करें तो CH3 यहाँ पर एक एच है, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल और या सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। अब बताइए टर्शियरी किसे कहते हैं, इधर देखिए तो CH3CH3, देखो इधर OH उस कार्बन लगा जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्शियरी एल्कोहल हो गया, टर्शियरी एल्कोहल हो गया, और ध्यान से देखिए कैसा एल्कोहल हो गया, टर्शियरी एल्कोहल। तो अगर आपसे हम कहें कि एल्कोहल से अगर आपको बनाना हो एल्किल हैलाइड, तो ये रिएक्शन याद रखो, रेड फास्फोरस आयोडीन लेकिन फास्फोरस इस बार हटा दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए PCl3 PCl5 ये सब क्लोरीनेटिंग एजेंट है,
ये क्लोरीन दे रहे हैं, OH- जाएगा, Cl- आएगा। आपको बता दें OH- जा रहा है, Cl- आ रहा है, ये जो रिएक्शन हो रही है एक तरह से केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल की। अगर आप अल्कोहल पढ़ेंगे तो ये अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है, उसमें OH- जाएगा, Cl- आएगा। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन कौन सी है यहाँ पर, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का बनना, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का बनना। अगर गौर से देखें आप लोग, SN रिएक्शन कहलाता है। और SN रिएक्शन दो तरीके को भी मैंने पढ़ाया था, SN1, SN2, SNI एक और होती है SNI। आपको बता दें SN1 किसमें होती है, SN1 का क्रम ternary है, जो एल्कोहल मुझे एल्कोहल से बनाना है किधर है, तो जो एल्कोहल टर्शरी होगा उसमें SN1 होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल में SN1 कम होती है, टर्शरी एल्कोहल में हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल से क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल से क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना। दिख रहा है सबको, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर SN1 टर्शरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, SN2 मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो बच्चों SN2 किसमें तेजी से होगी, यानी बताइए प्राइमरी होगी, याद रखना। SN1 किसमें जहाँ कहाँ पे जल्दी होगी, टर्शरी में। और सुनिए SN1 जब भी होती है वहां पर एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, याद रखना स्टेबिलिटी वहां ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, वहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है वहां SN1 होगी, और जहां स्टेबिलिटी नहीं होती है कार्बोकैटायन की किसी चीज की, वहां SN2 रिएक्शन होती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वहां SN1, और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है वहां SN2। तो SN1 का क्रम ये है, SN2 का क्रम किसमें ज्यादा होगी, SN2 प्राइमरी में। और SNI के लिए जब हम थायोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे बच्चों, थायोमिल क्लोराइड किसके साथ, एल्कोहल के साथ। अब हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एल्कोहल को कनेक्ट कर रहे हैं एल्किल हैलाइड से। तो एल्कोहल की रिएक्शन जो हम कराएंगे, एल्कोहल की देखिए बच्चा, ये एल्कोहल है, ये हमारा थायोमिल क्लोराइड है, इसमें देखिए SO2Cl2 कर देते इसका नाम सल्फ्यूरिल क्लोराइड हो जाता, ये थायोमिल क्लोराइड है SOCl2। तो इसमें SNI मैकेनिज्म होगी, इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH- जाएगा, ये Cl दे देगा, RCl बनेगा, SO2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा, ये दोनों गैसें हैं निकल जाएंगी, और वी विल गेट ए हाई यील्ड ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर आपको ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना है एल्किल हैलाइड शुद्ध प्राप्त करना है, या ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना है, तो यू विल प्रोसीड थ्रू द थायोमिल क्लोराइड। तो तुम्हें थायोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करानी होगी एल्कोहल से, समझ में आ गया। तो बेटा एल्कोहल कहीं ना कहीं हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में पढ़ लिया, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना। कितनी रिएक्शन बोल दीजिए, किससे रिएक्शन कराएं, रेड फास्फोरस आयोडीन H2SO4NaCl, कंसर्वेटेड एसिटेट डुकास लीजिए, हैलाइड फास्फोरस के और थायोमिल क्लोराइड, और इनमें से बेटर रिएक्शन कौन सी है, थायोमिल क्लोराइड। समझ में आ गया बेटा। इसी तरीके से अगर हम कनेक्ट करें, लुकास रिजेंट का इस्तेमाल किया जाता है एल्कोहलों में अंतर बताने के लिए, याद है तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और तीनों एल्कोहल में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी, किसके रेस्पेक्ट में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझो, माइनस आए माइनस जाए, माइनस आ रहा है और माइनस जा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, माइनस को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं OH- आ रहा है, Cl- आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, दिस इज SN रिएक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ SN रिएक्शन। SN रिएक्शन आर थ्री टाइप्स, SN1, SN2, SNI। SNI थायोमिल क्लोराइड में होती है, और प्राइमरी में सबसे ज्यादा कौन सी होगी, SN2, और टर्शियरी में कौन सी ज्यादा होगी, SN1। समझ में आ गया बेटा, एल्कोहल कितने तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एल्कोहल से तुमने क्या बनाया अभी, एल्किल हैलाइड, समझ में आ गया। हाँ जी बेटा, एक बात और बताएंगे, एल्कोहल की रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं, अगर SN रिएक्शन की बात करते हैं, कौन सा कौन होते हैं एल्कोहल में, हम साथ में एल्कोहल को कनेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को आपने कोशिश की समझने की। अगर हमने यहाँ पर ये हमने प्राइमरी एल्कोहल ले लिया बोलो, और ये हमने यहाँ पर ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल, ये हमने ले लिया टर्शियरी एल्कोहल बोलो, तो सबसे ज्यादा जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा, वो वाला है, ये बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शियरी एल्कोहल, किसके रिस्पेक्ट में, दिस इज ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, दिस इज ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू क्लेवेज ऑफ COH बॉन्ड,
सी ओ एच बॉन्ड टूटने में कौन जल्दी टूटेगा दिलीप दा? अगर ये चला जाएगा तो इसको तीन टाइम का खाना है सुबह दोपहर शाम, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ओएच माइनस जाएगा इस कार्बन के टाइम पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN1। इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN2। ओएच माइनस जाएगा, सीएल माइनस आएगा। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? उनका ओएच माइनस साइन जल्दी जाएगा, इसलिए उसमें SN1 रिएक्शन होती है, SN2 कम होती है। समझ में आ गया? तीनों टाइप के अल्कोहल्स रिएक्शन देते हैं SN रिएक्शन, बट रूम टेम्परेचर पर टर्शियरी अल्कोहल जल्दी रिएक्शन देता है, क्योंकि OH- जल्दी जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि OH- के जाने से यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। समझ में आ गया? और OH- कैसे जाता है, इसका भी एक रीजन होता है। जो एसिड आता है, कभी भी देखना आप एसिड की बात करते हैं, तो जो HCl का एसिड होता है वो यहाँ अटैक करता है O के पास, और जिससे यहाँ ऑक्सीनियम आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है? ऑक्सीनियम आयन बनता है। तो ऑक्सीनियम आयन जब बनता है, गौर से देखना, कौन सा आयन बन गया? ऑक्सीनियम आयन, OH2 बोलो प्लस आ गया। तो ये वाला ऑक्सीजन इस दबंग है तो ये खींच देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये आई, ये देखिए टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये देखिए ये स्टेबल है। OH बॉन्ड ऐसे टूटता है बिना इस रसायन, जब तक ये आएगा नहीं तब तक इससे कमी नहीं होगी, कमी होगी तभी तो ये खींचेगा, इसलिए तब CO बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ गया? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना, ठीक है? अब आता है कि अब कौन सा मेथड है जिससे हम हैलोजन और बना सकते हैं, जल्दी से बताइए बेटा। हैलोजन बनाने का कोई और मेथड है? हिंट दीजिए अगर आपको पता है, बताइए। हेलो एल्केन से, एल्कोहल से हैलोजन बना लिया, एल्कीन से बना लिया, अब बताइए किससे और बना सकते हैं? एल्केन से, वेरी गुड, एल्केन से बना चुके, एल्केन से बना लेंगे जो भी बताया था, वेरी गुड बेटा। जैसे CH4 की रिएक्शन क्लोरीन से कराओ सनलाइट में तो क्या बनेगा? CH3CLHCl, याद आया? और इस चीज का विशेष ध्यान देना कि जिस रिएक्शन में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर क्लोरीन ज्यादा ले लिया तो इसका फर्दर क्लोरीनेशन हो जाएगा और वी विल गेट CH2Cl2 CHCl3 और CCl4, मतलब आपको पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए क्लोरीन की अमाउंट कम होनी चाहिए और मेथेन की अमाउंट एक्सिस में होगी और ये अमाउंट कम होगी तभी आप यू विल गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ मिथाइल क्लोराइड, नाइदर यू विल गेट मिक्सचर ऑफ पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव। आपसे नहीं समझे, अगर तुमने ये एक्सिस में है, ये क्लोरीन है और तुमने यहाँ ये एक्सिस कर दिया क्लोरीन की जगह पर, तो अब क्या होने वाला है? अब ये होगा CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, यू विल गेट ए पिक्चर ऑफ मोनो हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोजन, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। आल्सो समझ में आ गया? ये पिक्चर मिल जाएगा और ये तीनों की तीनों चीजें सॉल्वेंट के रूप में इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। समझ में आ गया? इस बार आपके पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स को सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ना तो जरूर चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन ज्यादा हो गया तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन को बता सकता है? ये रिएक्शन कराती है सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। और इसमें कौन सी सब्स्टिट्यूशन होती है ये भी आपको बता दें, दिस इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ आ गया? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए हमेशा हम लोग याद रखना, क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, क्लोरीन फिर कौन आता है? ब्रोमीन, और फिर कौन आता है? आयोडीन। तो ये मोर रिएक्टिव है, इनसे बचो, ये लीस्ट रिएक्टिव है, इनसे बचो, तो ये दोनों बचे हैं। हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिव है, अगर ये रिएक्टिव तो ये कम सिलेक्टिव, ये ज्यादा सिलेक्टिव तो ये कम रिएक्टिव। अगर रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरीन रिएक्शन कर लेता सनलाइट में, लेकिन ब्रोमीन के लिए 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, एक्स्ट्रा हीट चाहिए, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम है। ऐसा कुछ नहीं है 27 के दो 125 के दो, इट इज नॉट मैटर, मैटर इज दिस क्लोरीन से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन हो जाएगा पर ब्रोमीनेशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेथेन, एल्केन, एल्केन है मेथेन, आप एल्केन का डायरेक्ट हेलोजनेशन करिए। समझ में आ गया? तो क्या प्राप्त कर लेंगे जल्दी बताइए, क्या प्राप्त कर लेंगे? आप प्राप्त कर लेंगे एल्किल हैलाइड,
समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत किसी को? बस प्रॉब्लम कहां आती है, हेलो हेलो, मेथेन है, एक कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं, यू विल गेट ए मिथाइल क्लोराइड, प्रोहिन तुमने लिमिट में रखा और ये सिचुएशन कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, बोलो। अब मान लीजिए हमारे पास एल्किल हैलाइड तो बन गया, मान लीजिए अगर हम यहां पर ये सिचुएशन कर दें CH3, CH2, CH2, CH3, बताओ इसका नाम क्या है, बताओ बेटा, ब्यूटेन। इसे ध्यान से देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन है, अगर हम इसका क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पर CH3, CH3 ये प्राइमरी हाइड्रोजन है और ये दोनों कैसे हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, जिसके दो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अगर कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी है, दो हाइड्रोजन है और कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन जल्दी निकलता है, टर्शियरी, तो जल्दी कौन निकलता है, हाइड्रोजन टर्शियरी, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन, अब्स्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बाय द हाइड्रोजन, टर्शियरी जल्दी निकलेगा। अब बताओ यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, CH2, 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 Cl, अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, यह दो प्रकार की है, प्राइमरी छह है और सेकेंडरी चार है, तो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक जगह से छटा और इन दोनों में से किसी एक जगह से छटा, कुछ याद आया, तो यहाँ पे हमने छटा दिया, यहाँ से ये लगा दिया, ये बन रहा है तुम्हारा कितना, अगर ये बन रहा है 32%, ये 38%, तो कितना सेंट है 100 में से, जल्दी बताइए 100 में से 38 छटाइए कितना बचा है, 62% है। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, लो अब बताओ तुम मेथेन का क्लोरीनेशन करा दो चलेगा, क्लोरीन की एक्सिस में नहीं, मेथेन की एक्सिस में तुम ज्यादा प्रोडक्ट ये प्राप्त करोगे, लेकिन जब तुम्हारे पास ऐसा एल्केन हो जिसके पास डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे तो यू विल गेट आइसोमर्स, देखिए ना यहाँ दो आइसोमर्स बन गए, अब इनको मिक्सचर से अलग करना बड़ी प्रॉब्लम है, हमें चाहिए था 2-chlorobutane, साथ में 1-chloro प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट बन गया, अब क्या करोगे, सेपरेशन करोगे, दिक्कत है, तो हैलो एल्केन इससे अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी, खासकर क्लोरीन में, क्यों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ अगर इसकी जगह पर अगर आप ब्रोमीन ले लेंगे, ठीक है, और हीट देंगे 125-127 डिग्री सेल्सियस, तो ब्रोमिनेशन बड़ा सिलेक्टिव होता है, तो ब्रोमिनेशन के केस में ये 98% प्राप्त हो जाएगा और ये वाला प्राप्त होगा मात्र 2%, यानी एक बात क्लियर है, ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव है क्लोरीन, इसलिए इस मेथड से अगर तुम्हें जो कराना हो, नहीं समझे, जिनके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है डिफरेंट टाइप्स के, अगर आप यहाँ पर ये कराना चाहते हो तो इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो घाटा तुम्हें होगा, इसलिए ब्रोमिनेशन कराओगे तो फायदा तुम्हें ज्यादा होगा, सेपरेशन आइसोलेशन नहीं करना पड़ेगा और यू विल गेट ए मेजर प्रोडक्ट जो तुम्हें चाहिए, समझ में आ गया, और अगर क्लोरीनेशन कराओगे तो तुम्हें दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा अच्छा खासा, तो ब्रोमिनेशन, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराना सही है एज कंपेयर टू डायरेक्ट क्लोरीनेशन, तो इसलिए इसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे डायरेक्ट, इसलिए अच्छे मेथड्स नहीं माने जाते हैं जहां खासकर जब वहां पर डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन्स होते हैं एल्केन में, तो यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन हैलाइड, समझ में आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन। अब बच्चों बताओ थोड़ा सा और बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में देखो और चेक करो ऐसी कौन सी रिएक्शन है हैलो एल्केन की प्रिपरेशन में जो छूट रही है, जो तुम्हें नहीं आ रही है हैलो एल्केन में, हैलो एल्केन में जल्दी से देखिए, कोई ऐसी रिएक्शन हैलो एल्केन के प्रिपरेशन में जो नहीं आ रही है, आगे सब ठीक, चलो बता दो मैं, जो हमने पहले रिएक्शन बताई थी एल्कीन से वो कौन सी रिएक्शन थी, एडिशन है, फिर बताई थी मैं अल्कोहल से वो कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी हम जो बता रहे हैं वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अगर तुम किसी एल्केन का डायरेक्ट हैलोजनेशन कराओगे क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी,
अब एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाओगे वो कराएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो तुम अभी करा रहे हो कौन सी रिएक्शन एल्कीन से, वो थी तुम्हारी एडिशन रिएक्शन। नहीं आया समझ में? तो ये बात पे विशेष गौर करिएगा। अब बात करते हैं एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की नहीं, एल्किल हैलाइड। तो बच्चों देखिए एल्किल हैलाइड हमारे पास ये है CH3Cl। चलो बताओ बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन इक्वस केव से कराओ। इधर देखो, इधर इक्वस केव से कराओगे, इधर देखिए इक्वस केव से, तो क्या होगा Cl- आएगा, OH- आएगा, तो क्या बनेगा CH3OH + KCl। तो क्या बन गया बेटा, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल एल्किल। बोलो तुम्हें याद आया? तो ये देखिए इक्वस KOH, यहाँ इक्वस बॉन्ड लिखाओ, इक्वस बेस हो चाहे इक्वस NaOH हो, तो OH माइनस आएगा Cl माइनस जाएगा एल्किल हैलाइड का। तो तुमने क्या सीख लिया, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना। अब प्रिपरेशन में क्या सीखा था पहले, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना। समझ में आ गया? समस्या तब होती है जब बच्चों के सामने क्वेश्चन रख दिए जाते हैं ऐसे। अब वहां पर देखिए CH2, यहाँ पर CH3, और यहाँ लिख दिया गया एल्कोहलिक KOH। ये देखिए अभी 21 KOH था, अब एल्कोहलिक आ गया। 21 KOH में Cl माइनस जा रहा, OH माइनस आ रहा है। बेटा बात मत करो, एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH में क्या होगा, एल्कोहल को KOH में घोलो तो घुलने पर बनेगा पोटेशियम इथॉक्साइड, ये है बेस, और बेस को क्या पसंद है, बीटा प्रोटॉन। समझ में आ गया, बेस को बीटा प्रोटॉन पसंद है। क्यों बीटा कार्बन है, ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाला बीटा है, ये बगल वाला बीटा है। समझ में आ गया, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो हम किस हाइड्रोजन को प्रीफर करेंगे, बीआर, जिधर कम हाइड्रोजन होते हैं उधर से जल्दी मिलेगा, इधर से भी एसिड मिलेगा, इधर से भी एसिड मिलेगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा एलिमिनेशन में, बीटा। बीटा हाइड्रोजन दो है, जिधर कम हाइड्रोजन लगे हो वहां का हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। तो देखो इसका NH, इसका बीआर निकल जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चा, कौन सा डबल बॉन्ड आ गया, देखिए इधर CH डबल बॉन्ड CH, क्या नाम बन गया बताओ बच्चों, ब्यूटेन 2, और एल्कोहलिक KOH में क्या निकल गया HCl। बच्चों एल्किल हैलाइड हो और एल्कोहलिक KOH हो तो रिएक्शन जो होती है उसका नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब डी माने निकलना, HX का निकलना, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। तुम्हें याद है जो मैंने प्रिपरेशन पढ़ाई थी तो उसमें HX जोड़ी गई थी, अब HX निकल रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं सब चीज इंटरलिंक है, चाहे बोल पड़ो चाहे फिनॉल पड़ो, हर चीज काम आती है। तो देखा आपने यानी एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में एल्कोहल और एल्किल हैलाइड करेक्ट है। बताओ दिस इज कॉल्ड, इसका नाम बताइए बेटा, इसका नाम है 1 2 3 4, इसे कहते हैं 2-bromobutane। तो क्वेश्चन आता है कि 2-bromobutane का एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ब्यूटेन 2 बनता है। समझ में आ गया कि ब्यूटेन 1 बनेगा, ब्यूटेन 2 मेजर बनेगा, अगर यहाँ से एच गायब होता तो ब्यूटेन 1 बनता। समझ में आया, ये क्या है, दिस इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। नहीं आया समझ में, बोलो ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी किसकी, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्कोहलिक KOH और इक्वस KOH के साथ रिएक्शन एल्किल हैलाइड। अब बताओ कौन सी रिएक्शन बताया आपको, बताओ बेटा इसके बाद कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्लीज जल्दी से बताओ। इधर देखो कोई और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी को याद है, जैसे RCl यहाँ रखा है, इसकी रिएक्शन किससे कराएं, HNH2 अमोनिया से, याद आया? कुछ लोग डायरेक्ट HCl निकाल देते हैं, एमीन बना देते हैं ऐसे, कुछ याद आया, बोलो एल्किल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो इस तरीके से क्या बन जाता है, जल्दी बताओ, प्राइमरी एमीन, कुछ याद आया? और प्राइमरी एमीन की रिएक्शन फिर से करा दो तुम RCl से तो बन जाएगा R2NH, याद आया? फिर से क्या निकल जाएगा, HCl क्या निकल जाएगा, देखिए ध्यान से
HCl, फिर ये बन जाएगा सेकेंडरी एमीन, और सेकेंडरी एमीन की फिर से रिएक्शन करा दो किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, फिर बन जाएगा R3N, तो बन गया टर्शियरी एमीन, और टर्शियरी एमीन की फिर रिएक्शन करा दो RCl के साथ, तो यू विल गेट ए R4N plus Cl minus quaternary amine. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अमीन, फोर टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. आप गौर से देखिए, RCl एल्किल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करा रहे, आपको पता है इस प्रोसेस का नाम बताओ, एमिनोलाइसिस. आपने पढ़ा है जैसे हाइड्रोलिसिस होती है, अगर हम अमीनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अमोनिया का बॉन्ड टूटना, अमोनिया में HNS2 होता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो दैट इज कॉल्ड एमिनोलाइसिस. पानी का HOS बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये एमिनोलाइसिस है. ये H2 का NH, ये Cl निकल दिया, R लग गया, प्राइमरी एमीन है. RNS2 को प्राइमरी एमीन कहते हैं, मेथेनामीन, याद आया, पढ़ाए. और सुनो ये देखिए, फर्दर एल्किल हैलाइड रिएक्शन कराओ तो ये H और Cl निकल जाएगा, R लग जाएगा, सेकेंडरी एमीन, और फर्दर रिएक्शन RCl से कराओ, एक H बचा, HCl निकल गया, R3N बना, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एमीन. और टर्शियरी एमीन में गौर से देखो, टर्शियरी एमीन में लोन पेयर है, अब यहां पर फिर से RCl की रिएक्शन कराओ, हेलो Cl माइनस प्लस, तो R प्लस कहां जाएगा, लोन पेयर के पास, R4 बन जाएगा, एंसर प्लस आ जाएगा, लग जाएगा. तो क्या सीखे आपने, ये सीखा एल्किल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, जल्दी से देख लीजिए क्या प्राप्त हुआ, एमीन. और ज्यादा आर्सेनिक डालो सेकेंडरी एमीन, और ज्यादा आर्सेनिक डालो और ज्यादा डालो लास्ट में क्वार्टरनरी एमीन प्राप्त होता है. अब इस चैप्टर का कनेक्शन कहां से हो गया है, एमीन से. आपने एमिनोलाइसिस पढ़ लिया, व्हाट इज द एमिनोलाइसिस, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया में कौन सा बॉन्ड टूटा इसकी वजह से एमिनोलाइसिस कहते हैं, अमोनिया में NH बॉन्ड टूटा इसलिए उसे एमिनोलाइसिस कहते हैं. इसे नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टाइम, हाँ बताओ, अगर तुम्हें बेटा, हेलो, अगर हम आपसे पूछे ये तुम्हारे सामने RCl है और इसकी रिएक्शन तुमने किससे करा दी, अमोनिया से, अमोनिया ही वही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बन गया RNH2. अगर हम इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा दें, याद है, तो नाइट्रस एसिड को हम अमोनिया को ऐसे लिखते हैं, मीन को NH2, तो नाइट्रस एसिड में ये फार्मूला होता है, क्या निकल जाएगा, H2RN(NOH), तो गर्म करो, गर्म करने पर N2 उड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, ROH. तो RCl से ROH ऐसे भी बना सकते हो आप इनडायरेक्टली, अगर आप चाहते हो RCl से डायरेक्ट ROH बनाए, इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो एक्वस पीएच का इस्तेमाल करो, जली पीएच का, RCl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, बन गया, लो एक स्टेप में रिएक्शन. अब वो कहे RCl से ROH बनाओ, दो स्टेप में बनाओ, तो दो स्टेप में ऐसे है, पहले अमोनिया से रिएक्शन कराओ और फिर बाद में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओ, समझ में आ गया, तब जाएगा ROH, नहीं तो आप ऐसे करो तो डायरेक्ट समझ आ गया, बोलो चीजों को समझिए, जितना समझ सकते उतना समझिए. केमिकल प्रॉपर्टीज और बताइए हैलोजन की, बट जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी से, और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, अभी इसके बाद बहुत है, आपको पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद नहीं है, मैं बताता हूँ. एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप कराइए KCl से, भूल गए आप लोग, KCl से रिएक्शन करा दो, इक्वस KCl, तो R इक्वस प्लस N4 दोनों होते हैं, तो याद है Cl माइनस जाएगा, साइनाइड माइनस आएगा, KCl निकल जाएगा, बोलो हेलो, RCl से क्या बन गया, RCN. बता बेटा, Cl माइनस जा रहा है, साइनाइड माइनस आ रहा है, तो सुनो, चाहे KCl ले लो चाहे NaCl, जो बच्चे समझते नहीं ध्यान से वो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, इधर देख लो, हाँ समझ नहीं रहे हो, बैठे हो ध्यान से समझिए, हाँ नीचे मोबाइल खोल के वीडियो देख रहे हो, ध्यान है कहीं और, खोल के वीडियो सुन रहे हो, क्या मतलब है, ध्यान रखो उसको समझे एक बार को, आज क्या लिख सकते हैं, आज हमने क्या कहा, इधर देखिए CH3Cl, इसकी रिएक्शन KCl से कराओ या NaCl से, Cl माइनस जाएगा, साइनाइड माइनस आएगा, क्या बनेगा, CH3Cl बन गया. अगर हम इसकी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दे, बच्चा या बच्ची, साइनाइड साइनाइड साइनाइड,
जहां साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा दोगे, हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाएगा, साइनाइड कन्वर्ट इनटू सी डबल एच। साइनाइड को अगर तुम्हें सी डबल एच बदलना हो तो जब आप याद कर लीजिए तुरंत एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो साइनाइड सी डबल एच बदल जाता है, ये बात हमेशा क्लियर। हमने CH3Cl का KCl से रिएक्शन कराया इक्वस KCl के साथ, हमने प्राप्त किया CH3 साइनाइड मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा दी साइनाइड किसमें बदल गया एसिड में, और एसिड क्या है ये हमारा एसिटिक एसिड है, बोलो एसिटिक एसिड है। कोई बात बताएगा बच्चा, इसकी रिएक्शन NH के साथ कराओ तो क्या बनेगा बताओ बच्चों, CH3COONa सोडियम बेस है ये सर, सोडियम साल्ट बन गया। अगर इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराओ याद आया, सोडा लाइम क्या कर देता है CO2 गायब कर देता है, याद आया सर, ये सब गायब हो जाएंगे, यहाँ से H दे देगा मीथेन प्राप्त हो जाएगी। लीजिए आपने मीथेन प्राप्त कर ली, समझ में आ गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब सोडा लाइम लिया जाता है उसको कहते हैं डीकार्बोक्साइलेशन। आपको पता है डीकार्बोक्साइलेशन का मतलब होता है कि एसिड से सी डबल ओ हटा देना। अगर तुम यही समझो यहाँ ऊपर भी की चले जाओ सोडा लाइम अपने आप CO2 गायब कर दो H मार पहुंचा दो मीथेन बन जाएगा, समझ में आ गया यस सर। इस तरह बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है अगर जोड़ा जाए, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ये है CH3 क्या है ये CH3Cl। चलिए नेक्स्ट देखिए और बताइए रिएक्शन, आपने NaCl की कराई तो Cl की जगह क्या आ गया, जल्दी बताओ Cl की जगह क्या आ गया साइनाइड। बच्चों बताओ इसी तरीके से हम रिएक्शन, अगर हम CH3Cl की रिएक्शन AgCl से कराते हैं, बताओ बच्चों AgCl से कराते हैं, अब बताओ अगर हम AgCl से कराते हैं भाई एक ही बताओ, जो तुम्हारा था NaCl ये तो आयनिक बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से टूट जाएगा Na+ एल्केली मेटल से, ये भाई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इसका साइज छोटा करके कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, अब ये बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटेगा Ag+ से, इधर देखो बेटा यहाँ से बॉन्ड नहीं टूटेगा, अब क्या करेंगे इधर देखो Cl डबल का खींच लेगा प्लस वाला हिस्सा तुम्हारे इस नाइट्रोजन के पास जाके पीछे से लगेगा, समझ में आ गया। तो क्या बनेगा AgCl लोन पेयर CH3 को दे देगा और ये कमजोर बॉन्ड हो जाएगा Cl। अब Cl अब देखिए जैसे ये ऐसा आएगा तो नाइट्रोजन खींच लेगा, ये यहाँ खींच लेगा Cl माइनस यहाँ C के पास चला जाएगा, वो Ag के पास चला जाएगा आपका, तो बन जाएगा क्या AgCl+CH3NC, ये बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो अगर हम NaCl लेते हैं याद करो RX की तो आप बनाएंगे R साइनाइड, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCl से लेते हैं तो बनेगा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड एल्किल साइनाइड, ये दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है, समझ में आ गया इसका विशेष ध्यान रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन बताइए आपको और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है एल्किल की, बताइए जल्दी से आपको पता है बेटा आपने पढ़ी होगी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हाँ क्लोरीन और आयोडीन बनाना कठिन है, मैंने पहले बोला था, मैंने क्या कहा था आप क्लोरीन ब्रोमीन बना सकते हो लेकिन क्लोरीन आयोडीन नहीं बना सकते हो, आप शांति से बैठोगे मैं और कंटिन्यू करूंगा, क्लोरीन और आयोडीन आसानी से नहीं बना सकते हो, डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, क्यों क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है विस्फोट हो जाएगा, आयोडीन कम रिएक्टिव है विस्फोट का इंतजार ही करते रह जाओ कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आसान है, तो अगर हम एक काम करते हैं इधर देखिए इधर अगर ये मेथेन है अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं हेलो ब्रोमिनेशन तो वी विल गेट CH3 Br बोलो, या क्लोरीनेशन कर दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा याद करो सनलाइट की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस या 125 डिग्री सेल्सियस तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर यहाँ CH3Cl। अब इसकी रिएक्शन करा दे सुनो यहाँ दो प्रकार के हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है फिंगरस्टीन स्वार्ट्स रिएक्शन, इसकी भी देखो दो प्रकार से रिएक्शन होगी फिंगरस्टीन स्वार्ट्स रिएक्शन, याद आया फिंगरस्टीन स्वार्ट्स रिएक्शन में अगर आपको पता हो NaI ले लो NaI ये क्या होगा I- आएगा Br- आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
अब ये बनेगा थ्री साइलेंट सी एस थ्री आई, ये बन गया तुम्हारा आइडोमेथेन। क्या बन गया? आइडोमेथेन। यहाँ पर भी देखिए शॉर्ट रिएक्शन में आ जाती है, इसलिए फिंगर स्टीम रिएक्शन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर द एल्किल आयोडाइड फ्रॉम द एल्किल हैलाइड हैविंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन, देन यू कैन प्रोसीड थ्रू द फिंगर स्टीम रिएक्शन। फिंगर स्टीम रिएक्शन इन्वॉल्व द NaI और KI, जस्ट लाइक शेकिंग दिस, एड NaI KI एंड शेक इन दैट तो यहाँ पर होगा क्या, Br- माइनस जाएगा, एफ माइनस आएगा, दिस इज एल्किल फ्लोराइड। नहीं आया समझ में? क्या बन गया? एल्किल फ्लोराइड। तो यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन हो रही है, फिंगर स्टीम स्वार्ट्स, फिंगर स्टीम स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरो एल्केन बनाएंगे और फिंगर स्टीम में आइडो एल्केन बनाएंगे। सिमिलरली यू कैन प्रोसीड इन दैट मैनर, हियर यू कैन पुट हियर NaI, यू कैन पुट हियर AgF, यू विल गेट ए CH3I, यू विल गेट ए CH3F। सेम थिंग इज हियर, समझ में आया? तो याद रखना हैलोजन एक्सचेंज किसका होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है उन हैलोजन का, वो कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, जिन्हें बनाना आसान है, जिन्हें बनाना कठिन है वो कौन है, क्लोरो और आयोडो। प्लीज दिस इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बताइए जो तुम्हें और आसान नहीं है, आपको लग रहा है वुड्स रिएक्शन से हम लोग एल्केन बनाते हैं, तो इट इज आल्सो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है एल्केन की, एल्किल हैलाइड की। तो वुड्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे, फ्रैकलेन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, फ्रैकलेन रिएक्शन हमारा उसमें आता है हैलो एल्केन। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन और हैलो एल्केन और हैलो एल्केन, केवल हैलो एल्केन। स्टार्ट में हमने वादा किया था हैलो एल्केन और हैलो एल्केन बंद स्टार्ट में खत्म करेंगे, लेकिन जब हम चलते हैं रास्ते में क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या बात होती, क्या कहां पर भूल जाता है, ये सब बातें कैसी होती है नहीं बता सकते। जैसे हम आपसे पूछे फ्यूचर बारे में बताइए आप क्या बनेंगे, आप प्रयास करोगे, आप रखोगे थीम, कोई जरूरी नहीं आप कि वही एक सब चीज मिल जाए। तो लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, सर्टेन बनाने का प्रयास तो खूब करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारी डोर हमारे हाथ में नहीं होती है। तो उसी तरीके से काम करते रहो, मजे लेते रहो, समझते रहो, बस अपने आप में सफलता प्राप्त कर लोगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो गुड्स रिएक्शन। गुड्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? गुड्स रिएक्शन में इधर देखिए, गुड्स रिएक्शन, तो गुड्स रिएक्शन में देखो बेटा, हेलो प्लीज, अरे गुड्स रिएक्शन बेटा, गुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है, गुड्स रिएक्शन। और जब आपको लंबे एल्केन बनाना हो, बड़े एल्केन बनाना हो, जैसे जैसे मेथेन से एथेन, मेथेन से एथेन, तुम्हें याद आएगी किसकी, वुड्स रिएक्शन है और किसी की नहीं, वुड्स रिएक्शन की। तो ये वुड्स रिएक्शन है, ये मेथेन है, ये एथेन है, ये C2H6 है, ये CH4 है। कैसे याद आएगी तो समझ लो, CH4 की रिएक्शन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही कर देते हैं, सर पहले क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे सनलाइट में और नंबर दो पे लिख देना सोडियम ड्राइंग, चल सर जी हो गया ये। समझा क्या? अब होता क्या है, होता क्या, मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सर CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा, बन गया CH3Cl और HCl बन गया। अब CH3Cl दूसरी स्टेप में, CH3Cl कॉमन सेंस लगाओ, इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसके तुम ये मत सोचो ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये चेंबर में रखा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इसमें, बोलो। तो CH3Cl के दो मॉलिक्यूल्स सोडियम की प्रेजेंस में, ये देखिए ये अपना दिल दे बैठे हैं और ये बन गया तुम्हारा CH3CH3 और ये क्या निकल के आ गया 2NaCl, समझ में आ गया, बोलिए यस सर। तो यहाँ पर निकल गया 2NaCl और बन गया CH3CH3, क्या बन गया, एथेन। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, CH3Cl जो था उसको लोग केवल ऊपर लिख के चले जाते हैं सोडियम और ड्राई लिखा था,
शुष्क ईथर, ईथर में पानी नहीं होना चाहिए, बन जाता है, डबल कर दो, इधर देखो, डबल कर दो, यहाँ कितने कार्बन है, एक, एक ही कितने हो गए, दो, दो, अगर हम यहाँ पर ले लें C2H5Cl, तो यहाँ क्या कर दोगे, C2H5Cl, और C2H5Cl, ड्राई ईथर का काम जो होता है, कि सोडियम इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द वाटर, देयरफॉर सॉल्वेंट में घुल जाए सोडियम, ईथर लेते हैं, और ईथर में पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा सोडियम वाटर से रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो हो सकता है कि वहां पर बना रहे कुछ बन जाए कुछ और, समझ में आ गया, ऐसा होता नहीं है, चलिए समझ में आया नहीं आया, बोलो, तो तुम्हें जब कार्बन की चेन को बढ़ानी होती है, एक्सटेंड करनी होती है, तो फोर्स रिएक्शन की याद आती है, समझ में आ गया, ठीक है सर, तो अब ये क्या बन गया, जल्दी बताओ, एथेन, तो एथेन का है, हेलो, एथेन का क्लोरीनेशन करो, तो बताओ सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों में एक टाइप के हाइड्रोजन है प्राइमरी, एक सिंगल क्लोराइड प्राप्त होगा CH3CH2CH3, लो बेटा, तो तुमने क्या प्राप्त कर लिया, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड या मीथेन से एथेन, समझ में आया, ये मीथेन से क्या बन गया, एथेन, कोई दिक्कत ना, सर इसकी एक कमी है गुड्स रिएक्शन की, इससे हम लोग ओड नंबर वाले, ओड नंबर वाले कार्बन वाले, ओड नंबर कार्बन जिसमें कार्बन संख्या विषम हो, मतलब सम ना हो, इविन ना हो, ओड हो, वो एल्केन नहीं प्राप्त कर सकते हो, जैसे हम आपके सामने ये देखें CH3Cl और प्लस C2H5Cl और दोनों मिला दो और सोडियम और ड्राई ईथर, इधर देखो, तो तुम्हारे हिसाब से Na और ये Cl दोनों गायब हो जाने चाहिए, तुम्हारे हिसाब से CH3C2H5 बनना चाहिए प्रोपेन, तुम्हारे हिसाब से क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, नहीं प्रोपेन नहीं बनेगा, इसमें तीन प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों बनेंगे तीन, CH3Cl और C2H5Cl और ड्राई ईथर सोडियम, जहां ये दिखा वहां पर गुड्स रिएक्शन, अब सुनो इसके मॉलिक्यूल दो मिल जाएंगे तो क्या बना जाएंगे, एथेन, इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो बना देंगे ब्यूटेन, चार कार्बन हो जाएंगे और एक ये एक ही मिल जाएंगे बना देंगे प्रोपेन, तो इसमें तीन प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, तीनों का मिक्सचर प्राप्त होगा, तीनों का मिक्सचर प्राप्त होगा, सिंगल प्रोडक्ट नहीं प्राप्त हो पाएगा, इसलिए तब हमें एल्केन बनाने का कोरे हाउस मेथड अपनाना पड़ता है, ठीक है, तो गुड्स रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है, गुड्स रिएक्शन से हम बनाते हैं एल्केन, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं, और एल्किल हैलाइड अगर हमारा एक है तो दो हो जाएगा, दो है तो चार हो जाएंगे, चार है तो आठ हो जाएंगे, लेकिन तुम चाहो कि हम इसे प्रोपेन पेंटेन इवन नंबर नहीं और नंबर का बना लें, तो तुम डिफरेंट है तो तब तुम दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड लोगे, और जहां तुमने दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड लिए तो वहां पर एल्किल हैलाइड तीन प्राप्त होंगे, एक प्राप्त नहीं होगा, प्लीज समझ में आ गया, ध्यान से, तो ये गुड्स रिएक्शन है, इसी में अगर सोडियम गायब कर दिया जाए, सोडियम गायब कर दिया जाए और यहां पर ले लिया जाए अगर यहां पर ले लिया जाए जिंक टेबल ZN तो ड्राई ईथर, तो ये फ्रैकलैंड रिएक्शन कहलाती है, इसमें वही चीज होगी जैसे गुड्स में होगी, बस वहां पर सोडियम की बजाय क्या हो जाएगा, सोडियम की बजाय क्या हो जाएगा, जिंक, समझ में आ गया, तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा है एल्केन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, एल्केन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में हमने बताई एल्केन से प्रिपरेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बताई एल्केन का, क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन, और आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका, एल्कोहल का, और फिर इसके बाद हमने बताई है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेजर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोलो बेटा वही मेन है, हेलो एल्केन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में याद है एल्कोहलिक KOH देते हैं और सब्स्टिट्यूशन में इक्वस KOH देते हैं, याद आया इन्हीं दोनों में केमिस्ट्री घूमती है एल्केन की, याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज में, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन,
एलिमिनेशन कराना है, अल्कोहलिक को सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को मन लगा के रिवाइज करेंगे। ये जस्ट वीडियो रिवीजन के लिए है कि आपको हम मेन इंपॉर्टेंट रिवीजन बता दें कैसे करेंगे लास्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको हेलो एल्केन की प्रिपरेशन और हेलो एरिन की प्रॉपर्टीज भी बताएंगे शॉर्ट में, ठीक है बच्चों। आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट।